यूपी बोर्ड मैथ सॉल्यूशन चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। ई पी पावर 10x का प्रथम सिद्धांत से आकलन कीजिए। इसे हम मान लेंगे वाई इक्वल टू ई टू द पावर 10x। दोनों पक्षों का लाग लेंगे, लाग वाई इक्वल टू लाग ई पी पावर 10x। लाग वाले फार्मूले के अनुसार लाग वाई इक्वल टू 10x इंटू लाग ई। अगली लाइन में हम क्या लिखेंगे, लाग वाई इक्वल टू 10x, लाग ई की वैल्यू होती है 1, तो इसको ऐसे छोड़ देंगे। इसको हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब हम y की जगह पर y के साथ डेल्टा y जोड़ेंगे और x के साथ डेल्टा x जोड़ेंगे। जैसा कि पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको अभी अभी बताया है कि जब y और x दो चरों में क्वेश्चन हो जाए तो हम दोनों पक्षों में h न जोड़ करके दोनों पक्षों में हम उस अक्षर के संगत अक्षर को जोड़ते हैं। जैसे y के बगल में हम डेल्टा y जोड़ देंगे, x के बगल में डेल्टा x। तो आप देख लीजिए लॉग y प्लस डेल्टा y बराबर 10x प्लस डेल्टा x। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 2। तो दो में से एक को हम घटाएंगे, दो में से एक को घटाएंगे, दो माइनस एक से। चलिए घटाते हैं समीकरण दो में से समीकरण एक को, तो होगा लाग y प्लस डेल्टा y माइनस लाग y बराबर 10x प्लस डेल्टा x माइनस 10x। यहाँ लाग m माइनस लाग n का फार्मूला लग जाएगा, तो अगर लाग m बटा n यानी y प्लस डेल्टा y बटे y, इधर 10 को हम साइन बटा कास में बदल लेंगे, साइन x प्लस डेल्टा x बटे कास x प्लस डेल्टा x माइनस, इसको हम साइन x बटा कास x कर लेते हैं। और यहाँ y अपन y करेंगे तो कट के एक होगा और डेल्टा y अपन y जैसे का है वैसे ही रहेगा। यहाँ अलग अलग करने पर y बाई y करेंगे तो 1 आएगा और डेल्टा y बटे y इक्वल टू, यहाँ पर हम फार्मूला यूज़ करेंगे साइन x प्लस डेल्टा x इंटू कास x, इसमें इसका गुणा हो जाएगा माइनस इसमें इसका गुणा हो जाएगा यानी कास x प्लस डेल्टा x इंटू साइन x बटे इन दोनों का गुणा यानी कास x प्लस डेल्टा x इंटू कास x। अब लाग वन प्लस एक्स का फार्मूला वही यूज होगा जो अभी अभी यूज हुआ था। वो क्या था, वो ये था कि एक्स यानी डेल्टा वाई बटे वाई माइनस एक बटा दो डेल्टा वाई बटे वाई का स्क्वायर प्लस एक बटा तीन डेल्टा वाई बटे वाई का क्यूब माइनस डॉट 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 करके छोड़ देंगे। इधर आप देख सकते हैं साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी, तो साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी का फार्मूला होता है साइन ए माइनस बी यानी साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स। अपन कास एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू कास एक्स, यहाँ पर हम डेल्टा वाई कॉमन ले लेंगे, बचेगा एक बटा वाई माइनस एक बटा दो डेल्टा वाई बटे वाई का स्क्वायर प्लस एक बटा तीन डेल्टा वाई का स्क्वायर बटे वाई का क्यूब माइनस डॉट डॉट डॉट
यहाँ एक्स और एक्स कट जाएगा, बचेगा साइन डेल्टा एक्स बटे कास एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू कास एक्स। अगली लाइन में क्या करना है, अगली लाइन में हमें दोनों पक्षों में डेल्टा एक्स से भाग देना है, दोनों पक्षों में डेल्टा एक्स से भाग देना है। जब यहाँ डेल्टा एक्स से भाग देंगे तो जाएगा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, और हम दोनों पक्षों की लिमिट भी ले ले रहे हैं। इधर होगा लिमिट डेल्टा वाई इन टेंस टू जीरो, अब इसको लिख देते हैं माइनस वन अपॉन टू डेल्टा वाई बाई वाई स्क्वायर प्लस वन अपॉन थ्री डेल्टा वाई का स्क्वायर बाई वाई क्यू माइनस डॉट 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 इक्वल टू, इधर भी हम लिखेंगे लिमिट डेल्टा एक्स इन टेंस टू जीरो। इधर हम डेल्टा एक्स इन टेंस टू जीरो लिखेंगे क्योंकि हमारा इधर का फंक्शन जो है एक्स के रूप में है, ओके। और इधर भी हमने डेल्टा एक्स से भाग देने का कार्य किया है, तो यानी साइन डेल्टा एक्स अपान डेल्टा एक्स एक साइड में और इनटू वन अपान कास एक्स प्लस डेल्टा एक्स इनटू कास एक्स। अगली लाइन में चलते हैं, यहाँ थोड़ा जगह कंजस्टेड है, एक बार आप फिर से देख लीजिए। लिमिट डेल्टा वाई इन टेंस टू जीरो इधर इसलिए लिखा गया क्योंकि इधर का जो फंक्शन था वाई के रूप में था, और इधर लिमिट डेल्टा एक्स इन टेंस टू जीरो लिखा गया इसलिए कि इधर फंक्शन एक्स के रूप में केवल था। तो अगर हम लिमिट की वैल्यू यानी डेल्टा वाई की जगह पर जीरो रखें तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, बचेगा केवल वन अपॉन वाई, ओके। और यहाँ भी आप देख लीजिए लिमिट डेल्टा एक्स इन टेंस टू जीरो साइन डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एक्स का मान होता है एक, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में एक फार्मूला आपको बताया होगा कि लिमिट एच इन टेंस टू जीरो साइन एच बाई एच इक्वल टू होगा वन। इसको एज ए फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए, और फार्मूला में मैंने आपको बताया भी था। तो इस तरीके से यहाँ लिमिट डेल्टा एक्स इन टेंस टू जीरो साइन डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एक्स इतने की वैल्यू हमारी एक हो जाएगी, इतने का वैल्यू वन हो जाएगा। और इस डेल्टा एक्स की जगह पर हम फिर जीरो रखेंगे, तो एक बार फिर से देख लेते हैं हम नेक्स्ट लाइन में क्या लिखने वाले हैं। ये लिखेंगे डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स एक बटे वाई, बाकी ये सब जीरो हो गया। एक बटा वाई माइनस जीरो प्लस जीरो इक्वल टू वन इंटू वन अपॉन कास एक्स प्लस डेल्टा एक्स का वैल्यू रखना है जीरो, क्योंकि डेल्टा एक्स इन टेंस टू जीरो है इधर, इंटू कास एक्स। तो ये आपको मिल रहा है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इंटू एक बटा वाई इक्वल टू वन अपॉन कास एक्स इंटू कास एक्स। तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल टू एक बटा कास, कास गुड़े कास होता है कास स्क्वायर, तो कास स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स, और ये वाई जो है वाई का हम पक्षांतर राइट हैंड साइड में करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा वाई, तो लिख देंगे डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल टू वाई की वैल्यू, शुरू में हमने क्या रखी थी, वाई की वैल्यू शुरू में हमने देख लीजिए यहाँ पे वाई इक्वल टू ई पे पावर टेन एक्स, यानी वाई का ये मान हम इस वाई की जगह रखेंगे ई पे पावर कितना टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। इस तरीके से आपको इसका आंसर प्राप्त हो जाता है।